पानी के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो प्लांट्स को चाहिए होता है, वो है मिनरल्स या साल्ट्स। अब मिनरल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और आमतौर पे वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा ये मिनरल्स जो हैं वो डायरेक्टली सॉइल पार्टिकल्स के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और अगर सॉयल पार्टिकल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए से मिनरल्स जुड़े हुए होंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब वो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो पानी के साथ साथ वो मिनरल्स भी जो हैं प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको अपने जो है मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल्स की कंसंट्रेशन आमतौर पे सॉइल के अंदर वेरिएबल होती है। जो अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट में प्लांट्स के लिए एक सूटेबल अमाउंट में मौजूद होते हैं। अगर मिनरल्स की अमाउंट कम होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, जरखेज मिट्टी यानी कि नहीं है। मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब रूट हेयर्स ही करते हैं, और एक्टिव और पैसिव दोनों मैकेनिज्म्स के जरिए से मिनरल्स की अपटेक होती है। आयंस या मिनरल्स की अपटेक किस रेट से होती है, उसकी अपटेक का रेट जो है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी तेजी से जो प्लांट है वो मेटाबोलाइज कर रहा होगा उतनी ही ज़्यादा उसको आयंस की या मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मेटाबॉलिज्म इतनी तेजी से नहीं हो रहा तो फिर आयंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत जाहिर है नहीं होगी। आयंस की अपटेक जो है वो आमतौर पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ज़्यादातर होती है, और आयंस जो है वो रूट सेल्स के अंदर जमा होते रहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि यहाँ पे ये होता है कि जो रूट सेल्स हैं उनके अंदर इसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है साल्ट्स की, क्योंकि जो रूट के सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली सॉइल से मिनरल्स उठा रहे हैं और वो सेल के अंदर भरते जा रहे हैं। अब सेल के अंदर कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा हो जाती है और सॉइल में रिलेटिवली कम अमाउंट मौजूद होती है, उसके बावजूद सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली मिनरल्स की अपटेक कर रहा होता है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आयंस जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए फिर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इस वजह से इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कुछ आयंस जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मिसाल के तौर पे वो डिफ्यूजन के जरिए से एब्जॉर्ब होते हैं, और बाज दफा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हमारी मुराद ये है कि इन सब्सटेंसेस को मूवमेंट के लिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल चैनल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू वो आयंस डिफ्यूज कर जाते हैं, और डायरेक्टली उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं गुजरना पड़ता बल्कि वो कैरियर प्रोटीन्स या चैनल्स के थ्रू जो है गुजर जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स जो हैं वो बाज दफा मिनरल्स को और दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हम दो पढ़ चुके हैं प्लांट्स के केस में। एक हमने पढ़ा था माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा जो है वो फंजाई और प्लांट्स की एसोसिएशन है। इसके अलावा हमने रूट नोड्यूल्स की बात की थी जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और नाइट्रोजन आपको चाहिए अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। प्लांट्स जो हैं अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और उससे फिर प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उसके लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन आमतौर पर सॉइल में डिजॉल्व फॉर्म में इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती, साल्ट की फॉर्म में मौजूद नहीं होती, तो इसका हल ये है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसको अमोनियम आयंस में या दूसरे ऐसे आयंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इनमें से बाज जो बैक्टीरिया हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं वो प्लांट्स की जड़ों के अंदर मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दाल के पौधों में ये जो है जड़ों के अंदर। अगर आप इसकी दाल के पौधे की जड़ उखाड़ के देखें तो इसके ऊपर आपको मोटे मोटे से दाने बने हुए नजर आएंगे,
और इन दानों को हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और इन नोड्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है ये ग्रो कर रहे होते हैं और हवा से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के इसको अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनियम आयन्स जो है प्लांट फिर इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एसोसिएशन जो प्लांट्स बनाते हैं वो माइकोराइजा है, और माइकोराइजा एक्चुअली फंगाई फंजाई और रूट्स की, हायर प्लांट की रूट्स की एसोसिएशन होती है। और ये फंगस जो है वो रूट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इसके हाइफी जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये वाइट वाइट धागे नजर आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली फंगस के हाइफी हैं जो ये येलो से कलर की, ऑरेंज कलर की रूट के साथ एसोसिएटेड है। और ये फंजाई सॉइल में से बहुत थोड़ी भी अमाउंट में अगर फास्फोरस मौजूद हो या जिंक मौजूद हो या और दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं तो उनको ये फंगस जो है बड़ी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है, और अब्जॉर्ब करके इनको फिर प्लांट को प्रोवाइड कर देती है। जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजा होते हैं वो आमतौर पे ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करते हैं, बेटर ग्रोथ शो करते हैं, और तकरीबन 90% वास्कुलर प्लांट्स जो हैं, टोटल प्लांट्स के 90% वास्कुलर प्लांट्स, वो उनके अंदर कोई ना कोई माइकोराइजल फंगस जरूर उसकी जड़ों में मौजूद होती है जो इसको इम्पोर्टेंट